हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। माय नेम इज रंजीत सिंधा और वायरल ज्ञान जो एजुकेशन चैनल है उसमें आपका स्वागत है। जैसे कि हमने जियोग्राफी कुछ काफी जो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते उसमें खूब सारे पार्ट्स अपलोड हो चुके और आगे भी होंगे, तो आज एक नए प्लेलिस्ट के साथ हमने शुरू किया है 10th का मैथमेटिक्स का, जिसका मैंने कल वाले वीडियो के अंदर सिलेबस भी डिस्क्राइब किया आपको। लेकिन आज हम समझेंगे जो हमारा चैप्टर 1 है रेशनल नंबर, उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट आज कॉन्सेप्ट का वीडियो है, तो छोटा होगा वीडियो, उसको आप समझिए, आप अपने कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, फिर हम आएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स उनके बारे में आइडेंटिफाई, कुछ वर्ड्स हमको डिस्कस करें। सबसे पहले रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, अपन समझते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू। P बटा क्यू के फॉर्म इस टाइप के फॉर्म में जो लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इसमें P and Q are integers number, integers number क्या होते हैं उसको हम आगे देखेंगे। इसमें Q बराबर कभी क्या नहीं होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ये एग्जांपल है हमेशा। जैसे मान लो ये नंबर है, इसका मतलब क्या है, आपके डाउन में फ्रैक्शन के रूप में नीचे वन होगा। क्या होगा दोस्तों, वन होगा। फिर होता है इंटीजर नंबर क्या है, जिनको हम नहीं लिख सकते इस फॉर्म में, जैसे रूट का है ना, रूट थ्री, रूट नाइन, ठीक है, 0.41 बार इस टाइप के जो है उसको 0.431 बार में जो भी नंबर है उसको हम ऐसे नहीं ले सकते रेशनल नंबर में। उसके बाद हमारे इंटीजर नंबर जो अभी मैंने डिस्कस किया था, आपको इंटीजर नंबर द कलेक्शन ऑफ हॉल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स इट्स कॉल्ड। जितने जो हॉल नंबर है, हॉल नंबर का मतलब क्या होता है कि हम कहां से स्टार्ट करते हैं अपने 1-1 टू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो इसके अंदर देखो, मे बी ऐसी कोई प्रोसेस आपको समझा नहीं होगा, तो इसके जो टाइप्स है, एक तो हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव, इसमें 1, 2, 3, 4 है। एक हमारा होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन है हमारा, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है पर नहीं पॉजिटिव, तो इसमें क्या है आपका जीरो क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव में आपको बताया -1, -1, -2, -3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, ये काफी बेसिक टॉपिक था, और भी इसके जो इम्पोर्टेंट रिलेशन जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में।